वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप कौन से भी फोटो किसी की भी फोटो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसको यंग बना सकते हैं अगर वो बुढ़ा हो तो, और वो यंग हो तो उसको बुढ़ा बना सकते हैं या उसको बच्चा बना सकते हैं। कुछ भी हम इस एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे खास बात ये है कि ये आप फन पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो। एक फीचर जिससे आप जेंडर चेंज कर सकते हो, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल। तो इस एप्लीकेशन को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। तो दोस्तों वो ऐप है फेस ऐप, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ फेस ऐप के बारे में, जिससे आप जेंडर चेंज कर सकते हैं किसी भी फोटो की। ये बहुत ही अच्छी ऐप है जो फोटो के फेस को पहचान लेती है। अब मैं आपको कौन सा भी एक सैंपल फोटो दिखा देता हूँ। मैं कौन सा भी एक सैंपल फोटो ले लेता हूँ, जैसे कि ये एक छोटी लड़की है जिसका फोटो मैंने चूज कर लिया है। यहाँ आपको भी बस ऐसा ही करना है और ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा, और प्रोसेसिंग के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ एक ऑप्शन है स्माइली फेस का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लिया तो ये स्माइल करने लगी। थोड़ी सी स्माइल बदल चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ और भी ऑप्शन है, जैसे कि एजेस चेंज कर सकते हैं, एजेस का ऑप्शन है यहाँ नीचे। मैं इसको ओल्ड एज भी कर सकता हूँ, मतलब ये जो छोटी बच्ची दिखाई देगी वो बुढ़ी दिखाई देगी। यहाँ इसके साथ साथ फिल्टर्स, फन, स्टाइलिस्ट, लेआउट, बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस है। यहाँ अगर ओल्ड है तो यंग में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ ग्लासेस भी डाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोडिंग हो रहा है। मैंने ओल्ड फेस चूज कर लिया है। अब जो भी आपको बच्ची दिखाई देगी वो बूढ़ी हो जाएगी, मतलब वो बुढ़ी होगी तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ आप अलग अलग, यहाँ आपको अब जो लास्ट है वो है जेंडर चेंजिंग। यहाँ नीचे फन के ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। मैं इसको जेंडर चेंजिंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ,